परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक एटीएम से 21 लाख रुपए गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरे मामले में एटीएम में पैसे लोड करने वाली कंपनी के कर्मचारी पर ही शंका है। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के आईटीआई चौराहा स्थित स्टेट बैंक के एटीएम का मामला है। बैंक के जिम्मेदारों द्वारा पुलिस को शिकायत की गई कि एटीएम से करीब 21 लाख रुपए गायब हो गए हैं, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। लेकिन एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ की, जिसके बाद एटीएम में पैसे लोड करने वाले कर्मचारी ही शंका के घेरे में आ गए हैं। अब पुलिस बैंक से रिकॉर्ड लेकर कर्मचारियों से पूछताछ करेगी। ये आईटीआई चौराहे पे जो एसबीआई का एटीएम है, इसमें 4 तारीख को उन्होंने पैसा फिल करना बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 8 तारीख को उनको एरर रिपोर्ट प्राप्त होना बता रहे हैं। कंपनी एसआईएस जो प्राइवेट कंपनी इसको डील करती है, और उसके बाद वो गए तो पहले उनका जो लड़का है बता रहा है कि बटन ऑफ था, तो उसको ऑन किया, लगा चालू होगा, चालू नहीं हुआ। फिर वो इंजीनियर के साथ गया अगले दिन, तो उसमें बैटरी का बता रहा है कि बैटरी नहीं थी, तो बैटरी लेके गए ये लोग। देन आज जब खोला उन्होंने, तो उसमें देखा कि वो रुपया जो है उसमें कैश चेस्ट में से जो बॉक्स होते हैं उनमें रुपए खाली हैं। और अभी तक की स्थिति में बैंक से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, कल वो जानकारी देंगे कि एक्चुअली कितना विड्रावल, जेन्युइन विड्रावल पब्लिक का हुआ है। क्योंकि संभावना ये है कि हो सकता है कि वो 4 तारीख का कैश ही ना डला हो, या उसमें डले रुपये और भी निकाल लिए गए, तो वो सारी चीज़ें कल क्लियर होंगी जब वो जानकारी आएगी। और सीसीटीवी कैमरा बंद है फरवरी से, उनका मेन कैमरा जो चैम्बर का कैमरा है उसको भी पहले से बंद पड़ा हुआ है, उसको फेसिंग उसकी बदल दी गई है। और इसमें जो अंदर की स्थिति, जब इंजीनियर्स के साथ हम लोगों ने स्पॉट को विजिट किया है पूरा और पूरा उसको देखा है, तो उसमें ये बात क्लियर हुई है कि ये इनका एक पासवर्ड लॉकिंग होती है जो कि काफ़ी सिक्योर्ड होती है, जिसमें मोबाइल एक रजिस्टर्ड होता है, उसी पर OTP आता है। उसके बाद वो जब डायल करते हैं और एक स्पेशल चाबी होती है, वो जब उसमें चिपकाते हैं मैग्नेट से, तब जाके ओपन होता है। उसको ओपन करने के बाद ही इसको अंदर से ब्रेक किया गया है। मतलब यह क्लियर है कि ये बात कि रजिस्टर्ड नंबर से OTP इन लोगों ने 3 बार जनरेट कराया है, और उस दौरान कहीं ना कहीं ये घटना हुई है। पुलिस डिटेल पूछताछ कर रही है, और जहाँ तक की स्थिति शंका काफ़ी स्पष्ट है, बहुत जल्दी खुलासा होने की संभावना। सर, जैसा बताया जाता है कि ATM में 3 दिन पहले चोरी, बैंक अधिकारी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कंपनी इसको पैसे डालने का काम करती है, SIS कंपनी बता रहे हैं, वो उस कंपनी के जो एम्प्लॉज़ हैं उन पर पूरा शक है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो बैंक के एम्प्लॉज़ भी और जो बाकी जो उनकी टेक्निकल कंपनी है, सॉफ्टवेयर जो जिसको जनरेट करती है, जो बनाती है पूरा ATM की स्थापना जो पूरी करती है, वो कंपनी के सारे इंजीनियर्स वगैरह सभी का ये कहना है कि वो पूरा सिक्योर्ड है। मामले कहीं भी कोई उसमें तोड़फोड़ ऐसा सच नहीं हुई है, पूरा बॉक्स सिक्योर्ड है, पूरी मशीन सिक्योर्ड है, और वो प्रॉपर पासवर्ड से लॉक खोलने के बाद उसके पैसे निकाले गए। तो ये पूरी संभावना है कि कंपनी के कर्मचारियों में से किसी ने काम किया हो, बहुत जल्दी खुलासे की संभावना पुलिस पूछताछ कर रही है।